नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। ये वीडियो हमारा होने वाला है फेज़ टू के रिव्यू से रिलेटेड। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका 17 नवंबर को जो आपका फेज़ टू हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले एक कैंडिडेट ने मेरे साथ में शेयर किया है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेंटर्स कानपुर का भी रिव्यू हमें यहाँ पे फाइनली मिल चुका है। देखिए, वो क्या रहा था कि सभी सेंटर्स के कैंडिडेट जो हैं वो मुश्किल से मिल पा रहे हैं, तो जैसा तैसे करके वो फाइनली अभी हम तक पहुँच रहे हैं और एक दो सेंटर और बचे हैं, उनका भी हम जल्दी डाल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में 3 SC यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका 350 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी, उसमें से फाइनल सिलेक्शन 140 को मिल चुका है, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो रनिंग बहुत ही सिंपल था, मोस्टली लड़कों को क्लियर कर ली थी। तो यहाँ पे इनको डाटा तो याद नहीं है कि कितने लोगों ने क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बता दी कि मोस्टली कैंडिडेट ने कर लिया था। GD में ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करना है, यानी कि किया गया है ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट, अप्रोक्सी 50% इन्होंने बताया। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि 50% जो बहुत बड़ा रेशियो है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 50% कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के जाना है अगर आप कानपुर के लिए जा रहे हैं। एंड सर, बहुत से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, मेरा तो पुराना ही था, जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो बिल्कुल, इनका जो पुराना टॉपिक है ये ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये टॉपिक आपका आ चुका है। तो पुराने और नए दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नए ऑलमोस्ट जो भी सेंटर्स से जैसे भी पूछे जा रहे हैं मैं अब तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो रिव्यू वीडियो को ज़रूर से देखा कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। बाकी सब कुछ जैसा आपने बताया था वैसा ही था। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जो सेंटर्स पे मैं सभी के लिए रिव्यू बताता हूँ वैसा के साथ सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें इतना कॉम्प्लीमेंट दिया इसके लिए भी भाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सपोर्टिंग स्टाफ था, तो स्टाफ तो सभी जगह सपोर्टिंग होता है यार। देखिए, वो अपनी मर्ज़ी से फालतू में आपको नहीं निकालेंगे, अगर आप वहाँ पर रनिंग में आ ही नहीं रहे तो अब वो क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। बहुत आसानी से हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शाल, थैंक यू सर। तो इन्होंने ज़्यादा चीज़ तो हमारे साथ शेयर नहीं करी, उसके बाद जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको पहले वाले रिव्यूज़ में बता रहा हूँ, बाकी सेम प्रोसेस रह रहा है। और इनको टॉपिक जो है GD का कुछ ज़्यादा याद नहीं था, बस इतना खुद का टॉपिक पता था, और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटर की। एक और रिव्यू जो हमें यहाँ पे मिला है टेक्निकल गेम चैनल से, और ये भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो मोस्ट ऑफ चैनल पे कमेंट करते रहते हैं, यहाँ पे इनके कमेंट भी मैं बहुत देखता रहता हूँ। तो इनका भी कानपुर से क्लियर हुआ है, तो 121 इनका क्लियर हुआ है, ये शायद पहले का है, और उन्होंने जो क्लियर किया है वो शायद आज किया है, तो ये सारा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बताया है। तो 121 यहाँ पे हुए हैं 300 में से, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने GD टॉपिक बताया है, पीयर्स प्रेशर्स ग्रुप जो थोड़ा भी बोला वो सिलेक्ट हो रहा था, 35 से 40 GD में बाहर हो गए। रनिंग में 1600 लगी थी, लग ही नहीं रहा था कि पक्का 1600 से कम था, मतलब जो ट्रैक था वो छोटा बता रहे हैं। और कोऑपरेटिव था, कुछ सर बेकार थे कुछ बढ़िया थे, गलती करने पे डांट रहे थे। तो इनकी तरफ से बस इतना ही जानकारी हमें मिल पाया, तो आई होप आपके लिए ये भी यूजफुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक कैंडिडेट और था जिन्होंने जोधपुर के बारे में बताया था, ये 16 तारीख का है, वैसे तो मैं 17 का शेयर कर रहा हूँ, लेकिन 16 का थोड़ा सा इनका कुछ बचा हुआ था, तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। 173 कैंडिडेट पास हुए हैं फेज़ टू के अंदर, और 250 स्टूडेंट रिपोर्टिंग था, 5 SC जोधपुर, 40 को स्टैंड आउट रनिंग में गया था, 10 को स्टैंड आउट SRT, 27 स्टैंड आउट GD में। GD टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के लिए मैंने मोस्टली ये वीडियो में आपको चीज़ें दिखाई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पॉवर्टी इन इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग और टीनेजर सुसाइड, एग्रीकल्चर एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, तो ये चीज़ आपके लिए ध्यान रखना है। इनका नाम है धर्मवीर और इनका फ़ोटो भी इनको दिखाने के लिए बोला है, तो दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इन्होंने क्लियर कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई धर्मवीर, आपको बहुत बहुत बधाई और आगे भी आप इसके लिए फाइनल मेरिट तक जाएं, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैरकपुर से। तो बैरकपुर से ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने जो था पहले क्लियर कर लिया था, और यहाँ पे मैं पहले भी इसके लिए रिव्यू दे चुका हूँ, और उसके बाद में ये भी 16 तारीख को ही है, बैरकपुर से इन्होंने क्लियर किया है। तो इन्होंने अपना रिव्यू शेयर करने के लिए बोला है, रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने बताया कि 5:30 बजे था, वो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड आई वांट टू सजेस्ट एवरीवन हु हैव फेस टू एग्जाम टू रिपोर्ट बिफोर टाइम, क्योंकि टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है वहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लग जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हमें चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया जाता है और चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, इसके बाद कंसेंट फॉर्म एंड बॉडी टैटू वाले साइन करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में हम रनिंग ट्रैक पे ले जाया जाएगा, और चेस्ट नंबर वाइज
बिठा दिया गया है। रनिंग रोड पे ही होता है, 800 मीटर का बहुत ही सॉलिड ट्रैक है, बिल्कुल एरोप्लेन के रनवे के जैसा। ओके, उसके बाद 300 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी एंड 10-15 एब्सेंट थे। हमारा दो बैच बनाया गया 150-150 के। उसके बाद में रनिंग 209 कैंडिडेट ने क्लियर किया है 300 में से, तो ये भी देख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं तो देवर गिविंग इनफ टाइम टू बिहार यहाँ पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पूरी रनिंग कंप्लीट ही नहीं की। ठीक है, उन लोगों को ही बाहर किया है जो पूरी रनिंग कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बीच में ही रुक के बैठ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 7 पुशअप एंड सिक्वेट्स में को मिले को आउट कर दिया। ठीक है, 7 को पुशअप सिक्वेट्स और इनमें आउट कर दिया गया। ओवरऑल 8 बजे तक वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में SRT के लिए आपको ले जाया गया था। उसके बाद SRT बिल्कुल नॉर्मल था, जो भी बंदा पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देगा वो पास हो जाएगा। बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन गलत ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, टॉपिक भी आपको 5-6 होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना। 9 AM SRT शुरू हुआ। आफ्टर SRT हम लंच के लिए गए और SRT में 27 कैंडिडेट फेल हो गए। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल वेरीफिकेशन हुआ, जिसमें कोई एरर था या फिर ओरिजिनल नहीं ला रहा था उसको CSV दिया जा रहा था। एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था कि 3 महीने में आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई करवाने हैं। आफ्टर डेथ हमारी GD स्टार्ट हुई। 14 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया दिया गया था, सबको 1 मिनट का टाइम दिया गया जिसमें उन्हें खुद का इंट्रोडक्शन करना था और टॉपिक के बारे में बोलना था। और यहाँ पर बताया गया कि डेली दिया गया पैसेज उस टॉपिक के रिलेटेड है, उसमें बोलना है, I mean to say उन्हें पैसेज का टाइटल देना था। ठीक है, तो टाइटल दिया हुआ नहीं होता है, पैसेज का आपको खुद को पता लगाना होता है। पूरी GD कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट आया तो ऑलमोस्ट 40 कैंडिडेट आउट हो गए और वहाँ भी वही बंदे थे जिसमें इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं दिया था, क्योंकि मेरे ग्रुप से सिर्फ 1 बंदा आउट हुआ था और वो इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं दे पाया था। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर से मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया गया मेडिकल 17 जनवरी को। एट लास्ट बेस्ट विशेस टू एवरीवन हु जस्ट हैव कॉन्फिडेंट, रेस क्लियर करो लो, बाकी सब हो जाएगा, जय हिंद जय भारत। और इनका भी फोटो दिखाने के लिए बोला गया, ये भी दिख लो। तो ये हैं भैया हमारे हीरो जिन्होंने ये क्लियर कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आपने हमारे साथ में शेयर किया, तो माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। सो फाइनली कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपका रिव्यू होता है कंप्लीट और उसी के साथ में अभी ऑलमोस्ट सेंटर्स के बारे में हमने बात कर ली है, तो अब आप देख सकते हैं। वीडियो को आपको सबसे पहले तो लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ में। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू सोन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।